हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स सीएचएसएल और एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। और जुडिशरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कभी भी किसी के ऊपर चेक कर सकता है। किसी के ऊपर का मतलब एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेचर के ऊपर ये चेक कर सकता है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, इसका काम होता है लॉ मेकिंग काम होता है लेजिस्लेचर का, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना कानून को, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। कानून बनाना काम होता है लेजिस्लेचर का। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया कि चेक करना है कि किस तरह से अपनी पावर को यूज कर रहे हैं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स से और भी लिया गया है प्रीएम्बल भी, जो कि यूनाइटेड स्टेट से ही लिया गया है, और फंडामेंटल राइट जो भी यूएस से ही लिया गया है, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव करना ये भी यूएस से ही लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको भी किस तरह से रिमूव करना है ये भी यूएस से ही लिया गया है। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करना। और ऑप्शंस में है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, और सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है ब्रिटेन से। और फिर लिया गया है बाई कैमरलिज्म का मतलब हो गया दो हाउस, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है, इसे बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से यानी कि ब्रिटेन से। फिर ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड से लिया गया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का किस तरह से इलेक्शन करना है, ये लिया गया है आयरलैंड से, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर लिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी लिया गया है आयरलैंड से। और फिर लिया गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इनटू राज्यसभा में किस तरह से जो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो भी लिया गया आयरलैंड से। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो भी लिया गया है आयरलैंड से ही, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इनटू राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि जुडिशियल रिव्यू लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कितना बार चुना जा सकता है, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई रोक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 बार, ऑप्शन नंबर डी। और कितने दिन के लिए चुना जाएगा, कितने साल के लिए, तो इसका सही आंसर है 5 साल, 5 ईयर्स इसका टेन्योर होता है, राष्ट्रपति का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। और कितनी बार चुना जा सकता है, तो कोई रोक नहीं है इस पर, कितनी बार भी चुना जा सकता है, और इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स। और जब प्रेसिडेंट अगर कंट्री में ना हो या फिर बीमार हो तो इनका तबीयत खराब हो तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं हो तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं हो तो उनके जगह पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं हो तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे प्रेसिडेंट के जगह पे। अगला क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1928 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किसने की, हु शॉट डेड जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह और उनके कलीग्स ने मारा था, कलीग्स का मतलब हो गया उनके भी और जो साथ में थे वो लोग मिलकर मारे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और भगत सिंह ने 1926 को भारत नौजवान सभा बनाई थी लाहौर में, 1926 को भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा बनाई थी लाहौर में 1926 को। और फिर इनका एक स्लोगन भी है इनकलाब जिंदाबाद, जो कि नहीं भगत सिंह का ही स्लोगन है, जो कि ये स्लोगन दिए थे असेंबली में जब बम फेंके थे 1928 में, जब ये असेंबली में बम फेंके तो उसी समय स्लोगन दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। और इनके साथ थे असेंबली में जब ये बम फेंके थे, इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त भी इनके साथ थे। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे, मतलब कौन इनके लीडर किसके नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ, इसमें इनमें से किसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई को आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया, और इनके पास सरदार की भी उपाधि है जो कि बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था। अंग्रेज जो थे वो क्रॉप्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, इसलिए जो है बारदोली सत्याग्रह अंग्रेज के अगेंस्ट में हुआ था और
वर्दोली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहाँ की औरतें लोग ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था, वहाँ के लेडीज़ लोग ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अगर वोमेन ऑप्शन में नहीं रहता तो इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, अगर ऑप्शन में वोमेन नहीं है तो इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, वर्दोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट जो कि 1951 में हुआ था, ये इनके लीडर थे आचार्य विनोबा भावे, और ये लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, भूदान मूवमेंट जो कि लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, और इनके लीडर हैं आचार्य विनोबा भावे। फिर अगला रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ था, इसी के कारण हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी 1919 में हुआ था, और रॉलेट सत्याग्रह को ही ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, रॉलेट सत्याग्रह को ब्लैक ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय पर हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बरदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ पटेल वाज द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वनों में अधिकांश लाइकेन और काई होते हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजोरिटी कंप्राइजेस ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा के जंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टुंड्रा फॉरेस्ट जो कि बर्फ वाली जगह पर मिलते हैं, ये आइस वाली जगह पर मिलता है टुंड्रा फॉरेस्ट। और फिर ऑप्शन में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट भी बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, और ये मिलता है इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है इक्वेटर के पास। और फिर है ऑप्शन नंबर ए में टाइगा फॉरेस्ट, टाइगा के जंगल, तो टाइगा के जंगल का दूसरा नाम है बोरियल कॉनफेरेस्ट फॉरेस्ट, इसको बोरियल कॉनफेरेस्ट फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, बोरियल कॉनफेरेस्ट फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये मिलता है जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट या फिर कोल्ड रीजन होगा वहाँ पे ये टाइगा फॉरेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट या फिर कोल्ड रीजन होगा वहाँ पे ये टाइगा के जंगल मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा के जंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है टुंड्रा फॉरेस्ट, लाइकेन और काई मिलते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस, किसमें ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजर्ट रेगिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे सैंड होता है, रेगिस्तान में सैंड होता है और सैंड जल्दी गर्म भी होगी और जल्दी ठंडी भी होगी, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि राजस्थान में, राजस्थान में दिन में होता है गर्मी और दिन में होता है गर्मी और रात में होता है फिर ठंडा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सैंड, सॉरी डिजर्ट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, विटामिन ए इसका सही आंसर है, विटामिन वर्ड ऑप्शन नंबर इसका डी सही है विटामिन ए, और विटामिन वर्ड जो पहली बार यूज किया गया था इनका नाम था फंक, विटामिन वर्ड पहली बार यूज किया गया था फंक के द्वारा, फंक फंक इसका सही फंक नाम था, और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है। और फिर ऑप्शन में विटामिन सी, विटामिन सी का विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी, यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी, और इसका साइंटिफिक नेम है अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है अस्कर्वी। और फिर है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन के, विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन है विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। और फिर है ऑप्शन में विटामिन बी, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन, थायमीन जो कि विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का है रेटिनॉल, विटामिन सी का है, विटामिन सी का है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का है फाइलोक्विनाइन, और विटामिन बी वन का है थायमाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्तचाप करता है, राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स विच टाइप ऑफ ब्लड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट में होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्तचाप करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और लेफ्ट में करता है प्योर ब्लड, लेफ्ट में प्योर ब्लड और राइट में इम्प्योर ब्लड। और ह्यूमन हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इसमें वो लिखा हुआ है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर क्वेश्चन में ऑर्गन पूछता अगर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा फिर स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया स्किन और लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया
लिवर, और थायराइड ऑप्शन में है थायराइड, ऑप्शन नंबर ए में है थायराइड, थायराइड जो कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन जो कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन है थायराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि लीवर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, ऑन विच प्रिंसिपल डज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ, पास्कल्स के नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और जहाँ पे भी हाइड्रोलिक वर्ड के साथ कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे आंसर इसका पास्कल ही होगा, पास्कल, इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ। और ऑप्शन में है न्यूटन्स लॉ, जो कि इसमें तीन नियम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, फिर है आर्कमिडीज लॉ, आर्कमिडीज लॉ जो कि फ्लोटेशन के लिए बात करता है, आर्कमिडीज लॉ मतलब जो कि फ्लोटेशन के लिए बात करता है। और फिर जूल्स लॉ, जूल्स क्या है, ये है आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ है आई स्क्वायर आर टी। अगला क्वेश्चन, किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल। किस कितने तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -40, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है -40। इसका फार्मूला होता है सी माइनस जीरो डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे -40 रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और के बराबर हो जाता है 200 के माइनस 273 डिवाइड बाई 100, सी फॉर सेल्सियस, से फॉर फ़ारेनहाइट, के फॉर केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर करने पे, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने पे बराबर होंगे, तो यहाँ पे -40 रखेंगे और फ़ारेनहाइट की जगह पे -40 रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का।